सन 1415 ईस्वी का दिन था। राजस्थान के टोंक जिला धुआ कलन देवली शहर में एक बालक का जन्म जाट परिवार में हुआ। माता पिता ने उसका नाम बड़े प्यार से धन्ना रखा। बचपन कब जवानी में बदल गया पता ही नहीं चला और भाई धन्ना मेहनत से खेती बाड़ी करने लगे। रोज सुबह आकर खेत जोतना और शाम को अपने खेत से घर को लौट आना, यही धन्ना का दिनचर्या था। खेत और घर के रास्ते में ही एक चतुर पंडित का घर आता था। पंडित के घर से रोज पूजा अर्चना और भजन गाने की आवाज आती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। पता नहीं सुबह सुबह पंडित जी क्या करते हैं, क्या गाते हैं। चलो मुझे क्या, जल्दी खेत जाता हूँ, खेतों को पानी देना है। एक दिन भाई धन्ना जी रोज की तरह अपने खेत को जा रहे थे। जब वे पंडित जी के घर के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पंडित जी एक पत्थर को कुछ खिला रहे हैं। भाई धन्ना जी को यह सब बहुत अजीब लगा। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी रोज भजन कीर्तन तो सुनता ही था, पर आज तो आप पत्थर को ही भोजन खिला रहे हैं। अरे मूर्ख, यह पत्थर नहीं है, शालिग्राम है। शालिग्राम, यह क्या होता है? मैं अपने ठाकुर को भोग लगा रहा हूँ। पंडित जी, एक पत्थर को भोजन खिलाने का क्या फायदा? अरे धन्ना, यह पत्थर नहीं है, यह तो मेरे ठाकुर है, हम सबके भगवान है। सच में एक पत्थर को खाना खिलाकर क्या होगा? ओहो, पत्थर नहीं, ठाकुर जी को खाना खिलाकर क्या होगा? ठाकुर जी सब कुछ देंगे, अगर तुम भगवान जी को खुश रखोगे तो वो भी तुम्हें सब कुछ देंगे। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। समय बीता और धन्ना जाट खेती बाड़ी करते रहे। मानव जीवन है, कष्ट तो आने ही है। धन्ना जाट भी जीवन के उतार चढ़ाव के कारण अपने खेत में दुखी बैठे थे। पता नहीं सब कुछ ठीक कैसे होगा। ऐसे उधेड़बुन में भाई धन्ना को पंडित जी की कही बात याद आई। वह तुरंत पंडित जी के घर को निकल गए। दूसरी ओर पंडित जी पाठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। आज तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ और फिर अपनी पेट पूजा करूँगा। इतने में ही पंडित जी को भाई धन्ना जी की आवाज आई। पंडित जी, ओ पंडित जी, ओ पंडित। अरे यह तो धन्ना जाट की आवाज है, पहले ही देर हो रही है और अब यह कहाँ आ मरा। आओ आओ धन्ना, क्या बात है? पंडित जी मुझे तो आपके ठाकुर जी चाहिए। अरे धन्ना कैसी बातें करते हो, ठाकुर जी ऐसे ही किसी को नहीं दिए जा सकते। पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं भी ठाकुर को भोजन खिलाऊंगा और मन चाह पाऊंगा। पंडित जी सोचने लगे, अरे धन्ना का दिमाग खराब हो गया है, यह यही सोच रहा है कि ठाकुर जी को भोज कराकर इससे सब कुछ मिल जाएगा। है भी नीरा जाट, अब मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से कोई भी पत्थर दे देता हूँ और इससे अपना पीछा छुड़वाता हूँ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। यही सोचकर पंडित जी ने उसे एक दूसरा पत्थर दे दिया। यह लो भाई, कर लो अपने मन की बात, ले जाओ ठाकुर जी को, पर ध्यान रखना, आदर सत्कार पूरा करना। इसके पश्चात पंडित जी भोजन करने लगे और भाई धन्ना पत्थर को अपने सीने से लगाकर अपने घर को निकल गए। यह लो ठाकुर जी, यह है मेरा घर, बहुत गर्मी है, सबसे पहले तो आपको स्नान करवाऊंगा, फिर भोजन का प्रबंध करता हूँ। भाई धन्ना जी ने पत्थर को अच्छी तरह से नहलाया और उसके बाद स्वादिष्ट भोजन बनाया। लो ठाकुर जी, आपका स्नान भी हो गया और मैं आपके लिए भोजन भी ले आया हूँ। अब आप भोजन कर लो, उसके बाद मुझे ढेर सारी बातें करनी है। गाय खरीदनी है, नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी। ओहो, मैं तो अभी से बताने लगा, गलती हो गई। आप पहले भोजन कर लीजिए, फिर बताता हूँ। भाई धन्ना जी पत्थर के सामने भोजन रखकर उन्हें एकटक देखने लगे।
बहुत देर पश्चात भी जब ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया तो भाई धन्ना जी बोले, देखो ठाकुर जी, मेरे पास इतना समय नहीं है, बहुत काम पड़े हैं, आप तुरंत भोजन कीजिए। परंतु ठाकुर जी ने अभी भी भोजन नहीं खाया। भाई धन्ना सोचने लगे, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, ठाकुर जी मुझसे नाराज हो गए हैं। मैंने तो आते ही नहलाया और भोजन भी अच्छा बनाया, जाने क्या गलती हुई जो ठाकुर जी मुझसे रूस गए हैं। यह सोच भाई धन्ना जी ठाकुर जी से माफी मांगने लगे। ठाकुर जी, मैं जाट क्या जानू कैसे ठाकुर जी को रखा जा सकता है। ठाकुर जी, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। चलो, मैंने अपनी गलती मान ली, अब तो भोजन कर लो ठाकुर जी। साग और रोटी बनाई है, बहुत बढ़िया बनी है, जल्दी से खाओ, फिर मैं भी भोजन करूंगा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतना सब कहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब रात हो चुकी थी मगर ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। भाई धन्ना जी को गुस्सा आ गया और वह बोले, देखो ठाकुर, अब बहुत हो गया है, आप यहाँ आकर खाना खा लीजिए या फिर मैं। इतना सब कहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जल्द ही सुबह हो गई, आसमान में सूरज की किरणें फैल गईं। भाई धन्ना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी वह ठाकुर जी पर गुस्सा करते, कभी वह उनको गले से लगा लेते और कभी वह रोने लगते। ठाकुर जी। इसी तरह दो दिन बीत गए। भाई धन्ना जी ने सारी कोशिश कर ली ठाकुर जी को मनाने की, मगर कुछ नहीं हुआ। परंतु भाई धन्ना जी ने हार नहीं मानी, वह अपनी पूरी कोशिश करते रहे ठाकुर जी को मनाने की। ठाकुर जी आ जाओ ठाकुर जी, मेरे ठाकुर आ जाओ। ठाकुर जी प्रकट हुए या नहीं, यह जानने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। अब आप इस कुर्बानी को शेयर कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन ओपन करें, जो कुर्बानी आप शेयर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और क्रिएट कार्ड का बटन दबाएं और सभी के साथ कुर्बानी शेयर करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहेगुरु।